हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। जो स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हैं, वो अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आगे चल के मैं ये बताती हूँ कि कैसे अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में आंसर को अफेक्टिव तरीके से आपको लिखना है, ताकि एग्ज़ामनर है देख के आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि आप कैसे अपने स्कोर को बेटर बना सकते हैं। मेरे बीएड में 83% मैंने स्कोर करे हैं और नो डाउट आप 85% से ऊपर भी इसमें ला सकते हैं। तो मैंने कैसे अपना अटेम्प्ट करा क्वेश्चन, मेनली मैं एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ कि जहाँ पर लॉन्ग आते हैं उसमें कितने पेज लिखने चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कितने पेज भरने चाहिए। 32 या 36 पेजेस की अगर कॉपी मिलती है तो कैसे कितने पेजेस भरें। मेनली अगर लॉन्ग आता है 20 मार्क्स का, ओके, और 80 मार्क्स का आपका क्या है पेपर है, मैक्सिमम 80 मार्क्स का पेपर है, तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग कितने पेजेस में भरेंगे, कम से कम 8 पेज, और खड़े में अगर इसकी ऐसी बात करें तो ऐसे 4 पेज, खड़े में देखें तो 4 पेज और वैसे देखें दो साइड से तो 8 पेज। ठीक, तो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन आया है, मैंने लिखा है यहाँ पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होता क्या है, तो आपको सबसे पहले कैसे डिस्क्राइब करना है सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर नंबर जो है ऊपर डाल देना है, ब्लैक पेन यूज़ करिए, स्केच। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है कि पैराग्राफ्स में लिखना है हर चीज़, ये नहीं कि लिखते चले जा रहे हैं और बिल्कुल भी लाइन नहीं छोड़ रहे, तो एग्ज़ामिनर ये सोचेगा कि आप एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा मीनिंग ऑफ सेमिनार। तो मीनिंग क्या है सेमिनार का, इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, फिर जो मेन आपको लगता है कि हाँ ये मीनिंग है उसको हमें ब्लैक से यूज़ करके उसमें डिब्बे में बंद करना है। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके लिख देना है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन, अगर आपको एक याद है तो एक ही लिख दिया, अगर दो याद है तो दो लिख दीजिए, मुझे एक याद थी तो इसलिए मैंने एक ही लिख दी। अब क्या है सेमिनार के उसके टाइप्स कितने हैं, जैसे मिनी सेमिनार हो गया, मेन सेमिनार हो गया, नेशनल सेमिनार हो गया, इंटरनेशनल सेमिनार हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि मिनी सेमिनार होता क्या है, थोड़ा सा लिखना है बस, डिस्क्राइब करना है मेन सेमिनार क्या होता है, इसी तरह नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार क्या होता है। इस तरह से आप कॉपी भरेंगे तो जल्दी कॉपी भी भर जाएगी और एग्ज़ामिनर कहेगा कि ये हाँ कुछ लिखा है, सारा डिस्क्राइब करा है इन्होंने। अब फ्लो चार्ट आप ऐसे बना सकते हैं या फिर इसको गोले में बंद करके भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेमिनार, उद्देश्य क्या थे सेमिनार के, ऐसे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव हो गया, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया, तो दो तीन पॉइंट इसमें लिख दिए, दो तीन पॉइंट जो आते हैं इसमें लिख दिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंस क्या थी, अब क्या है क्वेश्चन पूछा है खाली सेमिनार, व्हाट इज़ सेमिनार या मीनिंग ऑफ सेमिनार क्या जानते हैं और उसकी डेफिनेशन, तो अब उसमें आप क्या करेंगे कि कैसे भरेंगे 8 पेज। तो कुछ सेमिनार का अपने तरफ से डिस्क्राइब करना है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए उसके, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। सिर्फ अगर मीनिंग पूछता है तो आप उसको मीनिंग में पूरा आंसर नहीं लिख देंगे, तो उसका क्या करना है डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमिनार, फिर ऑब्जेक्टिव, उसके उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, महत्व क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद उसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशन लिखनी है। ठीक, लिमिटेशन लिखने के बाद अब आता है हमारे फाइनली कॉन्फ्रेंस टेक्निक के बाद, या फिर हम कहें कॉन्फ्रेंस होता क्या है, कॉन्फ्रेंस टेक्निक क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर ये गोले में बंद करके अंतर्राष्ट्रीय शांति लिखा है, इसलिए अफेक्ट क्या पड़ता है कि हाँ बच्चों को क्या आता है कि उसने कुछ तो याद करा, ऐसे यहाँ पर डेट मेंशन करी है मैंने, अलग अलग डेट एकदम साफ क्लियरली बता रहे, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा और स्पेस भी ज़्यादा है। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरी कॉपी एक सम ना भरें,
लाइन छोड़ छोड़ के और जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वही लिखें। ओके फिर आता है ऐसे हमने आगे डिस्कस किया 1940 में क्या हुआ था और 1950 में क्या हुआ था, फिर उसका मीनिंग कॉन्फ्रेंस का दे दिया छोटा सा। अगर आपने ऐसे नोट्स बनाए हैं और आपको लगता है टाइम कम है हमारे पास कॉपी, मतलब एक अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है आपको तो आपको मिनिमम 30 मिनट में ख़त्म करना है उसको, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आप क्या करते हैं छोटा छोटा लिख सकते हैं, अगर आपको छूट रहा है क्वेश्चन कि आपको लगता है टाइम कम बचा है तो आप थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए उससे, पर याद होना चाहिए। और जो ब्लैक कलर से लिखा है वो तो ज़रूरी लिखो, उसको डिस्क्राइब करना मत भूलो, फिर उसकी डेफिनेशन, ठीक है, एक याद है, दो याद है, जो भी याद है वो लिख दो, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ऐसे करके इसको डिस्क्राइब कर दो, फिर उसका ऑब्जेक्टिव 2-3 लाइनें में ऐसे करके ख़त्म करो, फिर इम्पॉर्टेंस क्या होती है उसकी और फिर उसकी लिमिटेशन, और लास्ट में क्या करना है कॉन्क्लूज़न ज़रूर डालना है। एग्जामिनर क्या करता है कि इंट्रोडक्शन से कॉन्क्लूज़न तक वो ये देखता है, वो पूरा नहीं पढ़ता है, कभी भी पूरा नहीं पढ़ता है, कुछ भी नहीं पढ़ता है वो, ये वो खाली हेडिंग पढ़े, कितनी हेडिंग डाली है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 10-11 हेडिंग होनी चाहिए, ये आपको माइंड में सेट करके रखना चाहिए। जैसे कि मेरी हेडिंग्स हो गई यहाँ पर, अगर मैं गिनूँ इंट्रोडक्शन 1, मीनिंग 2, उसकी डेफिनेशन 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 13-14 हेडिंग्स होनी चाहिए ही चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे।